नमस्कार। और ये देखिए दिल्ली का बहुत ही सुहावना मौसम, अभी हम लोग गुजर रहे हैं, घूम रहे हैं, संगम विहार से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, और ये देखिए सिग्नेचर गेट यहाँ से देख रहा है। और यहाँ भी हम लोग आज घूमने के लिए जाएंगे, सिग्नेचर ब्रिज वही है और हम लोग घूमने के लिए जाएंगे आज सिग्नेचर ब्रिज। बहुत ही अच्छा ब्रिज है। और ये देखिए दिलशाद गार्डन गाजियाबाद, यहाँ से सब कितना कितना किलोमीटर है दिखाया गया है बोर्ड में। तो ये है दिल्ली का नज़ारा और मौसम काफ़ी सुहाना है। और सुहाना के साथ सिग्नेचर ब्रिज के लगभग पहुंच चुके हैं और दिखा रहे हैं आपको सिग्नेचर ब्रिज का। यहाँ से बहुत ही सुंदर ब्रिज है, जो फोटो और देख रहे हैं जाते हुए। और अब यहाँ से देखिए सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा, काफ़ी सुंदर है। और दिल्ली में खास बात यह है कि यहाँ का जो मेट्रो है वो अंदर से भी गुजरी हुई है और बाहर से भी गुजरी हुई है, जिसके कारण बहुत ही सुंदर दिखता है। ऊपर से भी यहाँ मेट्रो चलती है और अंदर से ही भी चलती है। और हम लोग कल मेट्रो में काफ़ी सफ़र किए, लगभग 20 स्टेशन के लगभग सफ़र किए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा। देखिए यहाँ से विधानसभा, हाजरी कोर्ट और राजघाट यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। और देखिए यहाँ गाड़ी जो चल रही है, मजनू का टीला गुरुद्वारा। और यहाँ देखिए बहुत सेवा करते हैं गुरुद्वारा मजनू टीला साहिब, मजनू का टीला गुरुद्वारा के तरफ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। और ये मजनू का टिल्ला गुरुद्वारा ये है, यहीं से गुजर रहे हैं अभी हम लोग। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। और यही है दिल्ली का मनोरम दृश्य, बहुत ही मज़ा आ रहा है घूम करके। देखिए गजब रोड में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और देखिए दोस्तों अभी लाल किला हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अंदर गेट की तरफ, और देखिए बहुत ही सुंदर लाल किला का नज़ारा है। और ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और पूरा लाल किला को दिखाया जा रहा है आपको लाइव। देखिए यही है लाल किला, और देखिए बहुत ही सुंदर लाल किला का ये किला बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। दिल्ली का लाल किला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और घूमने में आज। और नमस्कार, देखिए लाल किला पूरा घूम रहे हैं हम लोग, अभी बाहर साइड से हैं, बस अंदर कुछ ही देर के बाद जाएंगे। और देखिए ये नज़ारा लाल किला का इस तरह का है, बहुत ही सुंदर। नमस्कार दोस्तों, देखिए और ये लाल किला का नज़ारा है और बहुत ही सुंदर है। और देखिए हम लोग रोड में गुजर रहे हैं लाल किला का नज़ारा के साथ, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
दिल्ली का लाल किला बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड में गुजर रहे हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए सभी लोग आ जा रहे हैं और जा रहे हैं, सभी लोग आ जा रहे हैं। देखिए जा रहे हैं सारे यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और देखिए इधर का नज़ारा, काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सब घूमने के लिए, और घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं किले के बारे में यहाँ पे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए किला आगे और क्या होता है। और बहुत ही सुंदर देखिए लाल किला का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही गजब जी दोस्तों। और देखिए यहाँ पे लाल किला का जो तिरंगा, जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वही उसी स्थान पे हम लोग दोनों मित्र पहुँच चुके हैं, और ये वहीं का नज़ारा है। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे देश विदेश के घूमने के लिए आते हैं। और दिखाइए मुन्ना जी कितना भीड़ है। हम लोग भी सोचे कि चलते हैं लाल किला, और देखिए भीड़ काफ़ी है, सभी देश विदेशी पर्यटन लोग आ जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही नज़ारा मनोरम है। और ये देखिए जहाँ पे झंडा फहराया जाता है वहाँ का सीन अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये झंडा यहीं से तोलन किया जाता है, झंडोत्तोलन यहीं से होता है। दिल्ली लाल किला का नज़ारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जुड़े रहिए। तब तक और दिखाते हैं, अभी कुतुब मीनार की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपको दिखाते हैं आगे की। और नमस्कार, ये देखिए दिल्ली लाल किला के बाद अब यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है मंदिर, यहाँ का मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो जी हाँ साथियों, अभी लाल किला गेट से निकल चुके हैं, ये दो नंबर गेट है, और दो नंबर गेट से हम लोग निकल चुके हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा जो है बहुत नज़ारा है, सुंदर है। और हम लोग बहुत ही मस्ती किए लाल किला में। और देखिए यहाँ पे अभी अंदर ये क्या है, यहाँ अंडरपास है, ये अंडरपास है, रोड पार करने के लिए, रोड पार करने के लिए अंडरपास बनाया गया, वहीं हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए और बहुत खतरनाक 95 किलो का आदमी अपना साथ में लेके चल रहे हैं, और एक और है 90 kg का, एक और भाई हेलो इधर इधर तो। और देखिए एक और भाई आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ऑल द बेस्ट। और देखिए अभी अंडर पास से हम लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं अभी।